1.1 इतिहास 1। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के सर्वाधिक समय किस क्षेत्र में व्यतीत किया? दंडकारण्य। 2। सातवाहन काल में रोम की मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई थी? चक्रबेड़ा, बिलासपुर। 1.2 योगदान 3। पर्लकोट विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 24 दिसंबर 1824। 4। हलबा विद्रोह 1774 से 1777 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह। 2.1 भूगोल 5। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ सहित कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर। 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दुर्ग जिला। 2.2 जल 7। वर्षा ऋतु में छत्तीसगढ़ प्रदेश में किन हवाओं से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से। 8। कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परलकोट। 2.3 खनिज 9। खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थान 5वां स्थान। 10। छत्तीसगढ़ प्रदेश में यूरेनियम उत्खनन का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? जजावल, सूरजपुर जिला। 2.4 जलवायु 11। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है? दिसंबर माह में। 12। निम्नतम तापमान किस शहर का होता है? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जशपुर नगर क्षेत्र 23 डिग्री सेल्सियस से कम। 2.5 भौतिक दशाएं 13। पूर्वी बघेलखंड का पठारिया सरगुजा बेसिन छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। 14। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर 3.1 साहित्य 15। खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित्र, रतनपुर महात्म्य, जैमिनी अश्वमेघ एवं राम प्रताप के रचनाकार कवि गोपाल मिश्र। 16। भोसला वंश प्रशस्ति के रचनाकार लक्ष्मण कवि। 3.2 संगीत 17। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा भोजली गीत की प्रमुख परंपरा है। मितान बधन 18। हनाल पाटा किस प्रकार का लोकगीत है? मृत्यु गीत। 3.3 नृत्य 19। सतनाम पंथ का लोकप्रिय नृत्य पंथी नृत्य की विषय वास्तु है। संत गुरुवार घासीदास के जीवन प्रसंग 20। रहस्य लोक नाट्य जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है का आयोजन किया जाता है होली के अवसर पर। बिलासपुर रायपुर क्षेत्र में 3.4 कला 21। ढोकरा कला झारा शिल्प बेल मेटल का शिल्प केंद्र है। एक ताल रायगढ़ में 22। कंघिकला प्रमुख शिल्प प्रचलित है। बंजारा में 3.5 संस्कृति 23। लोहा संबंधी कार्य करने वाली जाति अग्रिया 24। सेवक का कार्य करने वाली जाति भत्रा 4.1 जनजातियां 25। सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड़ 26। जनजातियों की भूमि बस्तर 4.2 बोली 27। गोंडी बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा 28। कोडकु बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडा भाषा 4.3 तिजुन 30। छेरछेरा का आयोजन कब किया जाता है? पौष पूर्णिमा को 30। मांग मोती पाटिया बेनी करकई एवं कंघी शरीर के किस अंग से संबंधित है? सिर से 4.4 त्योहार 31। जोगी मिठाई किस जाति द्वारा किया जाता है? हलबा जाति 32। कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है? भादौ माह में। 5.1 अर्थव्यवस्था 33। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया जाना है? सुराजी गांव योजना 34। पशुपालन उपक्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र 5.2 वन 35। वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान 3। 36। वन क्षेत्र की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान 4। 5.3 कृषि 37। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? राजनांदगांव जिले में 38। प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? मूंगफली 6.1 प्रशासनिक ढांचा 39। सर्वाधिक ग्राम वाला जिला राजनांदगांव 1686 ग्राम 40। राज्य में प्रशासन का प्रमुख मुख्य सचिव 6.2 स्थानीय शासन 41। प्रदेश में प्रथम नगरीय निकाय की स्थापना 1867 रायपुर 42। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पंचायत अधिकारी 6.3 पंचायती राज 43। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख सचिव 44। ग्राम पंचायत का राजनैतिक प्रमुख सरपंच 7.1 मानव संसाधन 45। प्रदेश की 2011 और 2001 में जनगणना में लगभग अंतर कितना है?
सैतालीस लाख छियालीस। लिंगानुपात में अंतर 2:7.2। ऊर्जा संसाधन 47। प्रदेश की कुल विद्युत स्थापित क्षमता राज्य गठन के समय 1308 मेगावाट 48। प्रथम ताप विद्युत इकाई कोरबा की स्थापना 1958 में किन किन देशों के सहयोग के स्थापित की गई थी? जापान, अमेरिका 8.1। शिक्षा 49। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर की स्थापना 2010 से 2011। 50। देश का 11वां मुक्त विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर 8.2। स्वास्थ्य 51। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ 2010 से। 52। सखी सेंटर का संचालन प्रदेश के सभी जिलों में कब से किया जा रहा है? मार्च 2017 से। 8.3। समसामयिक 53। प्रदेश का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार। 54। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में श्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार बालको।